नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। गौतमपुरा के दोपालपुर में बिजली विभाग की कार्रवाई के आहत अन्नदाता हमेशा के लिए सो गया। परिजनों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी मृतक के ऊपर पैसे देने के लिए दबाव बना रहे थे। कम बारिश होने की वजह से मृतक किसान पहले से ही परेशान था, उस पर बिजली विभाग की मनमानी ने उसकी जान ले ली। एक के बाद एक कृषि क्रमण पुरस्कार हासिल करने वाले प्रदेश में किसानों की मौत के सिलसिले जारी है। अन्नदाता की मौत का नया मामला दोपालपुर का है, जहां बिजली विभाग से परेशान किसान ने दम तोड़ दिया। मृतक किसान के परिजनों के मुताबिक उसे कृषि के लिए दो कनेक्शन ले रखे थे। नियमानुसार एक स्थायी और दूसरा अस्थायी कनेक्शन था, लेकिन लाइनमैन कनेक्शन को अवैध बताते हुए पैसे देने का दबाव बना रहा था। घटना वाले दिन बिजली विभाग के लाइनमैन नागेश्वर के साथ कर्मचारी सत्तार खां के खेत पर पहुंचे और कनेक्शन निकाल दिए। इस बात का विरोध करने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मृतक किसान के साथ झूमाझटकी भी की। कम बारिश होने की वजह से सत्तार खां की फसल चौपट हो गई थी और उस पर बैंक का कर्ज भी था। वहीं बिजली विभाग की मनमानी में सदमे में आए सत्तार खां के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये खेत पे इनकी लाइन में इनकी झूमाझटकी हुई थी और इनने पैसे भी भर दिए थे MPV में, उसके बावजूद भी लाइन में हर रोज जाके परेशान करता था इसको, बोले पैसे भर दो, जबकि इसके पास ऑलरेडी दो कनेक्शन है। उसके पैसे भर भी दिए, उसके बाद आज ही कुछ मजंगमारी हुई, घर पे आए, मैंने पूछा सत्तार भाई क्या हुआ, वो लाइन मैन परेशान करता है मेरे को और MPV वाले से परेशान हो गया हूँ मैं तो यार, पैसे भर भर के। तो फिर मैं क्या हो रहा है, बोले तबीयत ख़राब हो रही है यार, तो मैं क्या अस्पताल चलें, उस पर अस्पताल लेने गए, इससे रास्ते में उसकी डेट हो गई, मतलब मैं इंतकाल हो गया। हाँ, बातचीत हुई थी और पैसे मांग रहा था, वो बोले मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, जबकि ऑलरेडी इसने पैसे भर चुका था वहाँ पे। क्या उसके बावजूद भी कई दिनों से इसको परेशान कर रहे थे लाइन मैन, ले आए थे। हाँ, तार हार निकाल के भी ले आए थे वो, और झुमा झुप्टी भी हुई क्या इनकी क्या, और थोड़ी पैर में भी चोट आई है, तो घबराहट के मारे घर पे आए और तबीयत खराब हो गई एकदम, और इंतकाल हो गया इनका। क्या ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।